क्वेश्चन चेंज कर देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी जल्दी करिए। अच्छा इसके ही 5 पार्ट हैं, माय गॉड। फर्स्ट क्वेश्चन के 5th का पहला देखिए। अच्छा तो पहले मैं रिलेशन किस सेट में वो लिख देता हूँ। सेट ए है ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन अ टाउन। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इसका नाम रिलेशन दिया गया। तो ये सारे क्वेश्चंस रिलेशन से रिलेटेड हैं। पहला है रिलेशन आर, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो ध्यान से सुनते जाइएगा, अभी हम इतनी सारी कहानी नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले समझ लीजिए। तो सेट ए है, क्या है? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो ये सेट ए यूज हो रहा है आगे के 5 क्वेश्चंस में, ठीक है। अब रिलेशन आर किस तरह बनाया है? एक रिलेशन आर बनाया गया है एक्स कॉमा वाई। एक्स और वाई क्या है? ह्यूमन बींग है, दो ह्यूमन बींग है। तो दो ह्यूमन बींग साथ में इस रिलेशन में आएंगे अगर वो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, अगर वो एक ही जगह पर काम करते हैं, है ना। जैसे कि आप दोनों यहाँ पर आ जाओगे इस सेट में, क्योंकि आप लोग एक ही क्लास में बैठे हो, है ना, एक ही जगह पर काम, एक ही सीट पर ही बैठे हो। तो सीट का तो दिया नहीं, एक ही जगह पर, तो एक ही जगह पर चैतन्य एजुकेशन में, या फिर यहाँ के दो टीचर्स जो हैं वो इस रिलेशन में आ जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं या फिर और कोई टीचर वो नहीं आएंगे क्योंकि एक जगह पर काम नहीं कर रहे हैं, है ना, एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो अब आपको बताना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन में एक्स कॉमा वाई है, आप क्या करो, एक्स कॉमा एक्स करो। अब इस रिलेशन को आप वैसे नहीं लिख सकते हो रोस्टर फॉर्म में, है ना, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा वाला तरीका, ए कॉमा ए। तो ए कॉमा ए लिख दो, या फिर एक्स कॉमा एक्स लिख दो, या बी कॉमा बी लिख दो, सेम करना है उसको। तो एक्स कॉमा एक्स जैसे एलिमेंट आएंगे क्या इसमें, तो फॉर एक्स कॉमा एक्स बिलोंगिंग टू आर क्या होना चाहिए, एक्स एंड एक्स शुड वर्क एट द सेम प्लेस। तो काम कर रहे हैं एक ही जगह पर, तो ये दोनों तो एक ही जगह पर काम करेंगे ना, एट द सेम प्लेस, दो सेम आदमी है तो एक ही जगह रहेगा वो। तो ये रिफ्लेक्सिव है आपका, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए मान लेते हैं कि x, y रिलेशन R में है। तो अगर ये रिलेशन R में है तो कब आए होंगे कि जो x, y है ये सेम जगह पर काम कर रहे हैं, मतलब ये ट्रू है। तो बताइए क्या y, x होगा? y, x के होने के लिए क्या होना चाहिए? y एंड x सेम जगह पर काम करना चाहिए। अब भाई जब एक्स वाई एक जगह पर काम कर रहे हैं तो वाई और एक्स भी एक जगह पर काम करेंगे, है ना। तो इसी तरह से आप बना के लिख दीजिए, रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर्ड पेयर मानते हैं। तो मान लिया कि एक्स कॉमा वाई रिलेशन आर में है और उसी के साथ वाई कॉमा जेड भी रिलेशन आर में है। यहाँ पर आपको एक नया जेड इंक्लूड करना पड़ता है। तो अगर एक्स कॉमा वाई रिलेशन आर में है मतलब ये एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, सेम प्लेस, ठीक है। और y एंड z भी सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। तो अगर एक्स वाई एक जगह पर है, y z एक जगह पर है, तो एक्स जेड भी होंगे। तो यहाँ से आप इम्प्लाई कर सकते हो कि x एंड z ये भी सेम जगह पर काम करेंगे, मतलब x, z रिलेशन R में होगा। लिखिए जल्दी शॉर्ट में, हाँ ए बी सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक्स वाई दिया हुआ है ना, तो आप एक्स वाई के फॉर्म में लिखिए एक्स वाई जेड। हाँ वैसे ही लिखना है, जल्दी जल्दी लिखिए जल्दी, नहीं तो अगर आ गया है तो फिर लिख लीजिए। जब तक मैं बी लिख देता हूँ, बी पार्ट, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। आ गया तो अगले ट्राई कर सकते हैं, yes, sir. क्योंकि अभी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। आप सोचे पूरे नोट्स बनाएंगे एकदम अच्छे से, फिर पढ़ेंगे। हाँ तो लिव एट द सेम लोकेलिटी या वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों चीजें सेम ही है, तो बता दीजिए।
तो अगर x कॉमा x है तो मतलब क्या होना चाहिए, x एंड x शुड लिव एट द सेम प्लेस, तो सही है वो, एक आदमी तो एक ही जगह रहेगा, तो लिख देना रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक x कॉमा y है मतलब x और y जो सेम जगह पर रह रहे हैं, है ना, सेम प्लेस पर रह रहे हैं, तो y कॉमा x भी हो क्योंकि वो भी सेम प्लेस पर रहेंगे, वो तो वही हो जाएगा, x कॉमा y रिलेशन R में मतलब x y सेम प्लेस पर है, y z भी सेम प्लेस पर है, तो ये लोग भी सेम प्लेस पर रह रहे हैं, तो x z भी सेम प्लेस पर रहेंगे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप कर लीजिएगा। C देखिए, जो जो ऐसे होते जा रहे हैं उसको रहने दीजिए, है ना, सी पार्ट देखिए, या फिर आप चाहो तो बुक में थोड़ा बहुत लिख सकते हो, कॉपी का तो पता नहीं चलेगा बाद में। रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, बड़ा, हाँ। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कर देंगे, x कॉमा x, क्या x कॉमा x आएगा बताइए, अगर x कॉमा x को आना है तो क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, हाँ, किसको किससे 7 सेंटीमीटर टॉल होना पड़ेगा, हाँ, x शुड बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3-4 साल बाद शायद हो जाए लेकिन ऐसे नहीं होगा यहाँ पर, है ना, ये तो बताया नहीं कि आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नहीं सोचना है, जब तक हम पेपर देंगे तब तक तो नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, अगर x कॉमा y है तो मतलब क्या होना पड़ेगा, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो इसको मैंने ट्रू माना है, तो अगर y कॉमा x को होना है तो मतलब y शुड बी, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, x ऑलरेडी बड़ा हो गया y से 7 सेंटीमीटर, तो y x से बड़ा हो कैसे हो सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, तो लिख देना यहाँ पर। और लास्ट पर एक बार वो किसी वाले राम श्याम इसमें, ठीक है, मतलब राम श्याम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, और ये क्या लिखा है, श्याम राम, तो क्या श्याम राम से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, हाँ, तो अगर ये आपसे 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो अब ऐसा नहीं हो सकता ना, आप इससे 7 सेंटीमीटर बड़े, तो ऐसा दूसरा पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी दो ह्यूमन बीइंग ऐसे अगर आए होंगे तो मतलब वो ये फॉलो कर रहे होंगे, तो उसका उल्टा हो ही नहीं सकता उसमें, क्योंकि वो फॉलो नहीं करेंगे रिलेशन को, ठीक है। तीसरा वाला देखिए, अगर ये एक्स वाई है तो क्या होगा, देखो एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा वाई से, ऐसा होगा कुछ, एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई जेड है अगर मतलब, तो वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो बताओ एक्स जो है ये वाई से बड़ा है, तो ये है एक्स, ठीक है, और ये है वाई और ये है जेड, तो ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है और ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स जेड से कितना बड़ा होगा, 14 हो गया ना ये तो, है ना, अरे समझ में, तो फिर क्या होगा वो इसमें, नहीं होगा, है ना, यहां से आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू जेड प्लस 14, सो x कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, हाँ तो लिख देना कुछ भी नहीं है, RST कर लो, नोट करो जल्दी, शॉर्ट में जल्दी मेन पॉइंट नोट कर लेना, मेन पॉइंट आगे समझ में, तो चलिए ठीक है। डी पार्ट देखिए, डी देखो, रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई,
देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए बताइए, x कॉमा x को अगर होना है तो क्या होना चाहिए, x इज y को x, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक, अगर x कॉमा y है तो मतलब x इज y ऑफ y, तो क्या y कॉमा x होगा, इसका मतलब क्या बता रहे हैं, y इज वाइफ ऑफ x, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, हो सकता है, हो सकता है ना, ना ना ना, हम रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, उसमें नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ का सिस्टम नहीं होता ना उसमें, आपको नॉर्मल वर्ल्ड के आंसर देना है, ठीक है। तो x कॉमा y अगर रिलेशन r में है तो मतलब x इज वाइफ ऑफ y, तो y क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ और सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव में बता दे, सोच के बताना है ना, अगर x कॉमा y है रिलेशन में मतलब x इज वाइफ ऑफ y और y कॉमा z है तो y इज वाइफ ऑफ x, ट्रांजिटिव है, कैसे कैसे, कुछ भी नहीं है, नहीं पहला तो हो सकता है ना, पहला दूसरा तो नहीं हो सकता, हाँ देखो पहला होगा x इज वाइफ ऑफ y मतलब y हस्बैंड है, लेकिन अगर जब ये आया है तो ऐसा आ ही नहीं सकता, तो तीसरे के आने की जरूरत ही नहीं, आया समझ में, इसी में किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना, इसको कई जगह पर वेरीफाई किया है मैंने, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। यहां पर लिख देना विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसका सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर ही पॉसिबल नहीं है, हाँ तो तीसरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये ट्रांजिटिव है, तो लिख देना इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, है ना, चेक करो पीछे क्या दिया हुआ, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, इवन कुछ एनसीईआरटीज में भी गलत दिया हुआ है, सही है, चलिए आप लोगों की लेटेस्ट एनसीईआरटी, आगे बढ़िए। ई पार्ट, ई देखिए आ गया होगा समझ में, इसको लिखना क्या है, देखो ई देखो x कॉमा वाई में होगा अगर x इज फादर ऑफ वाई, फादर है वाई, हाँ तो मतलब वाई बेटा है x का, बताया नहीं आज तक, है ना, आज तक बताया नहीं, इतने दिन से हम x y पढ़ रहे हैं, बताया नहीं x इज फादर ऑफ y, देखो रिलेशन में क्या x कॉमा x रिलेशन r में आएगा, तो उसके लिए x इज फादर ऑफ x, तो कोई खुद का फादर तो हो नहीं सकता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लिख देना अच्छे से, है ना। सिमेट्रिक, अगर x कॉमा y है मतलब x इज फादर ऑफ y, तो क्या होगा, बोलने के लिए बोल देते हैं, है ना, लेकिन होगा नहीं, बेटा बाप से बड़ा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, रियल वर्ल्ड की बात हो रही है, x इज वाइफ x इज फादर ऑफ y, ठीक है, तो ये हो गया y कॉमा z, y इज फादर ऑफ z, बताओ, हाँ तो x इज फादर ऑफ y, ठीक है, अगर मैं इसको मान रहा हूं मतलब ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, और y अगर ये है तो मतलब y इज फादर, तो ऐसा भी पॉसिबल है ना, कि x जो है वो फादर है और फिर वो भी किसी का फादर है, ऐसा हो सकता है, तो बताओ तीसरा होगा क्या, x कॉमा z, x कॉमा z नहीं होगा, फादर नहीं होगा, तो ग्रैंड फादर होगा, है ना, तो ग्रैंड फादर तो इसमें रिलेशन में है नहीं, रिलेशन में क्या फादर है बस, है ना, तो गड़बड़ हो गया, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं, तो लिख देना इसमें नॉन रिफ्लेक्सिव नॉन सिमेट्रिक, बस यही आंसर इसका, लिखो जल्दी, ठीक है। सेकेंड वाला देखिए, टाइम आपने ग्रुप में मैसेज तो देख लिया होगा ना, हाँ सेकेंड वाला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इसके आने के 90% चांसेस है, सेकेंड वाला और फिफ्थ वाला, इसके भी 90% चांसेस है,
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइनली हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। सेकेंड सोचिए थोड़ा, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। तो सेट जो दिया है वो रियल नंबर्स का है, इसमें रिलेशन आर बनाना है, और रिलेशन आर दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आपको ये शो करना है, मतलब शो करना है मतलब प्रूफ करना है, मतलब है ऐसा है, कैसा है कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांसिटिव, तो कुछ भी नहीं है, तो ये ट्रू है। ऐसा नहीं करें कि सॉल्व करके ऐसा आ जाएगा, नहीं नहीं रिफ्लेक्सिव है, मतलब वो गलत है, है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ेंगे तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा भाई, जब जब नहीं है तो आपको एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जो फॉलो ना करे, बस खत्म, है ना। तो आपको श्योरली पता है नहीं है, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, तो अब ये भी आप देखेंगे इनफाइनाइट सेट है ना, क्योंकि रियल नंबर में बन रहा है, तो ऐसे बहुत सारे रियल नंबर होंगे भाई जिसके लिए ए लेस देन बी स्क्वायर हो जाए, बहुत सारे होंगे होंगे बिल्कुल होंगे, ठीक है। जैसे मान लो 1,2 होगा इसमें, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, है ना, होगा। तो बहुत सारे होंगे इसमें, बहुत सारे होंगे, तो हम सारे नहीं लिख सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी मेथड से चलना, a कॉमा a कर दीजिए, इस तरह से कर दीजिए, या फिर इस केस में आप नंबर ढूंढिए, वो नंबर ढूंढिए जिसको फॉलो ना करें, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, a कॉमा a शुड बिलोंग्स टू रिलेशन r। तो बताइए कोई दो पेयर ऐसा बता दीजिए जो इसको फॉलो ना करें। देखिए 1,1 आएगा, 1 इज लेस देन 1 स्क्वायर, सही है। 2,2 आएगा, ये भी फॉलो कर रहा है। 3,3 आएगा, ये भी फॉलो कर रहा है। तो सोचने का तरीका यही है, नंबर लाइन, ये वाले नंबर सोचिए आप, पॉजिटिव नंबर सारे इंटीजर्स, तो ये तो सब कर रहे हैं। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो क्या -1,-1 आएगा, क्या -1 इज लेस देन इज इक्वल टू -1 स्क्वायर है, बिल्कुल, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, कोई भी दो नंबर ले लो आप, है ना। -2 इज लेस देन -2 का स्क्वायर, ये भी सही है। तो पॉजिटिव इंटीजर भी फॉलो कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर भी फॉलो कर रहे हैं, क्या जीरो फॉलो कर रहे हैं, 0,0, हाँ 0 लेस देन इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, ये भी है। तो यहाँ तो हमें मिला नहीं, ज़्यादातर इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या बचा इसके अलावा, जब भी आपको, हाँ डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, तो फ्रैक्शन नंबर्स में 1 के पहले और -1 के बाद, ये एक फ्रैक्शन, ये स्पेशल फ्रैक्शन होते हैं और इसके बाद वाले अलग फ्रैक्शन होते हैं। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, देखिए अगर मैं कोई भी 0 से 1 के बीच का नंबर लेता हूँ, तो देखिए 0.1 ये होगा रिलेशन आर में, ये चेक करना है मुझे। तो उसका मतलब सभी मतलब हाँ, वो तो हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, कौन से ना होता है ना, होता है इसमें, अगर मैं कर दूं ये है, कोई भी नंबर ले लो रिफ्लेक्सिव, इसमें भी तो दिया है ना, कुछ भी हो सकता है, ऐसा मान के नहीं चलना कि क्वेश्चन में कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बताइए क्या ये रिलेशन आर में है, क्योंकि स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, ये नंबर कम हो जाएगा। जीरो से वन के बीच के नंबर की क्या खासियत होती है कि स्क्वायर करने पर नंबर कम हो जाता है। हम क्या कर रहे थे, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, इसको स्क्वायर करेंगे तो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो बड़ा तो हो गई, लेकिन ये नंबर ऐसा है कि ये ऐसा फॉलो करेगा, 0.1 इज ग्रेटर देन 0.0, तो ये इसके स्क्वायर से बड़ा है ना। तो ये मुझे सेम एलिमेंट मिल गया, रियल नंबर मिल गया जो इसमें नहीं है। तो आप यहां पर ये एग्जांपल लिख दीजिए, बट 0.1, 0.1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर एज 0.1, ये होना चाहिए 0.1 का स्क्वायर, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना, दिख रहा है इसका स्क्वायर 0.01 छोटा है, तो ये नहीं है। और भी बहुत सारे हैं, 0 से 1 के बीच के कितने भी नंबर ले लो आप, 0.2 उसका स्क्वायर करने पर भी वो कम हो जाएगा, 0.3, 0.5, तो कोई भी एक आपने कोट कर दिया, ठीक है। तो हो गया, यही रिफ्लेक्सिव मुझे करना था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसी तरह से सिमेट्रिक में देखिए, सिमेट्रिक बताइए भाई, नंबर बताइए जो इसको फॉलो ना करे, सिमेट्रिक नहीं है, ये मुझे प्रूफ करना है।
सोचिए नंबर कि किस तरह से ए कॉमा बी आए लेकिन बी कॉमा ए ना आए, ये आप सोच सकते हैं आराम से। उसी तरह सोचिए पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स, बस 1.2 है रिलेशन आर में क्योंकि 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, लेकिन 2.1 नहीं है रिलेशन आर में क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। कुछ भी ले लीजिए है ना, कम से कम नॉर्मल वाले चेक करके देखिए। ट्रांजिटिव, ये नहीं बता सकता कोई कि कोई एग्जांपल बता दो जो ये फॉलो ना करे। हाँ सोचिए कि a कॉमा b है मतलब a लेस देन इज इक्वल टू b स्क्वायर हो, b कॉमा c b लेस देन इज इक्वल टू c स्क्वायर हो लेकिन a लेस देन इज इक्वल टू c स्क्वायर ना हो। इसका मतलब a कॉमा b है b कॉमा c है लेकिन a कॉमा c ना हो। लेके देखो नहीं, किसी ने ज़्यादा दिमाग लगाया आधा घंटा बैठ के तो निकाल लेगा, ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको जनरली मैं बोलता हूँ कि याद कर लें। लिख लो तुम लिख लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको नोट कर लेना ना। है क्या मिला? नोट कर रहे हो? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, है भाई देखो ट्रांजिटिव मुझे प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो रहा होगा कि इस तरह के होंगे लेकिन ये तीसरा नहीं हो, तो लिख लीजिए है ना। देखो -1 0.5। चलिए देखते हैं, हमने दिमाग लगाया तो -1 इज लेस देन 0.5 का स्क्वायर 0.25 सही है, 0.5 इज लेस देन 1 का स्क्वायर सही है, तो -1 इज लेस देन इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये भी सही है, ये भी सही है। ये नहीं होना चाहिए तब तो ट्रांसक्रिप्ट गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं ना, -1 इधर आएगा 1 इधर आएगा इस, हाँ हाँ टू, तो ये है सही है, ये है ये भी सही, -1 और 2, तो क्या -1 लेस देन इज इक्वल टू स्क्वायर है? हाँ है, ये इसके स्क्वायर से कम होना चाहिए। ये कर दे तो यही नहीं है, पहले ही गड़बड़ हो गया। तो देखिए हम बता देते हैं आपको, 3.2 रिलेशन आर में है क्योंकि 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है सही है, ठीक है। 2.15 ये भी रिलेशन आर में है क्योंकि 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1.5 स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25, ये भी है, बट 3.15 इज नॉट इन द रिलेशन बिकॉज 3 इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। याद कर लो इसको है ना, देखो याद करना आसान है, 3, 2 एंड 3/2 ये तीन नंबर है,
तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ये देखो ये नंबर है, याद करना आसान है, 3, 2 and 3/2। ले लो 4/3, 4/3, 4/3, 4/3। चेक करके देखो, देखो आ रहा है क्या, चेक करके देखो, 3 × 3, 3 × 1.3 है ये। तो ये है क्या, 3 का स्क्वायर 9, सही है। 1.3 का स्क्वायर 1.69। 13 का स्क्वायर कितना होता है, यही होता है ना। तो 3, ये तो यहीं गड़बड़ हो गया है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पैटर्न ना ढूंढे। हाँ, इसको याद करने में फ़ायदा रहेगा क्योंकि वहाँ पर आप निकाल नहीं पाओगे और ये इम्पोर्टेंट रहता है। 3, 2, 3/2। नहीं नहीं, आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर है दुनिया में। नहीं सर, जैसे ये तो हमें कंडीशन दी गई है। हाँ नहीं है, पर कंडीशन दी जाती तो हाँ, तो कंफ्यूज हो सकता था। हाँ नहीं, गलत हो जाता ना, इसीलिए तो दिया है वैसे, ताकि आप उस तरह से सोच पाए। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3। Check with the relation are defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस सेट में एक रिलेशन R डिफाइंड है, a कॉमा b उस रिलेशन में आएगा अगर b इज इक्वल्स टू a प्लस 1। चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रायंगल। अब इसमें चेक करना है आपको, ये तो कर लोगे यार, ये तो बड़ा आसान है, कर लोगे। यस सर। xy जैसा b कॉमा a इज इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा इसका रिलेशन, किसकी वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखते जाइए ये वाली। तो 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 5 आएगा, और 5 रखेंगे तो 6 आएगा, और 6 नहीं रख सकते। बस बता दो, रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक है, क्योंकि 1, 2 है, 2, 1 नहीं है। ट्रांजिटिव है, 1, 2, 2, 3 है, लेकिन 1, 3 नहीं है, पहले दिख गया। तो ना तो रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, तो उसकी किस्मत ही खराब है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ थर्ड वालों को फोर्थ देखो, फोर्थ शो दैट द रिलेशन आर रियल नंबर में डिफाइंड है, ए लेस देन बी है, इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो इसमें बनाया कैपिटल आर में, और रिलेशन है ए कॉमा बी, इस रिलेशन में आएगा अगर ए इज लेस देन इज इक्वल्स टू बी। तो इसको आपको बताना है कि ये, ध्यान से देख लीजिएगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो शो दैट करना है, तो मतलब ये तो बात तय है कि ऐसा होगा, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक। बस आपको अब एग्जांपल ढूंढ के बताने हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो अब मैंने बताया था आपको, ये बताया था कि जब भी आपको पॉजिटिवली प्रूव करना है कि वो है रिफ्लेक्सिव, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ एग्जांपल बता दो, वो तो कॉन्ट्रडिक्शन वाला हो गया।
जो आपको प्रूव नहीं करना है, तो एक आपने गड़बड़ दिखा दी उसमें। लेकिन अब इसमें रिफ्लेक्सिव है तो आप सारे एग्जांपल तो बताओगे नहीं, तो आप क्या करोगे, जनरल लिख दो, है ना। हाँ, तो इसमें लिख दो तो क्या होगा, ए कॉमा ए रिलेशन आर में होना चाहिए, और इसके लिए क्या होना चाहिए, ए शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू ए, तो ये हमेशा ट्रू है, विच इज ट्रू। तो जब भी दो लोग, इसमें क्या ट्रू है, ए बराबर ए है। अगर मान लो x लेस देन इज इक्वल्स टू वाई लिखा है, तो इसको पढ़ते हैं, x लेस देन इज इक्वल्स टू वाई, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो लेस देन और इक्वल्स टू, क्या दोनों चीज़ें हो सकती है साथ में, नहीं हो सकती है ना, या तो x लेस देन वाई होगा या तो x इज इक्वल्स टू वाई होगा, है ना। तो इसके ट्रू होने का मतलब यही होता है, क्या होता है, या तो लेस देन हो जाए या तो इक्वल हो जाए, इसीलिए बोलते हैं x लेस देन और इक्वल टू वाई, ये नहीं बोलते हैं x लेस देन एंड इक्वल्स टू वाई। जब एंड वर्ड यूज करते हैं तब मतलब दोनों होने चाहिए, गहराई समझ है ना। तो ये ट्रू लिखा है क्यों, क्योंकि इसमें से a इज इक्वल टू a ट्रू है, ऑब्वियस बात है, फिर दूसरा नहीं होगा। ऐसा नहीं बोलते सर a a के बराबर है लेकिन a लेस देन a नहीं है, तो पूरा ट्रू नहीं, आधा ट्रू है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बताइए, तो सिमेट्रिक मुझे क्या करना है, डिस्प्रूव करना है, तो कोई एक एग्जांपल ढूंढना है जो इसको फॉलो ना करे, बता दीजिए, सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं। वन कॉमा टू रिलेशन आर में है, हाँ, क्योंकि वन इज लेस देन इज इक्वल्स टू टू है, बट टू कॉमा वन है क्या रिलेशन आर में, नहीं है, क्योंकि टू इज नॉट लेस देन इज इक्वल्स टू, खत्म। सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करिए, तो उसमें एग्जांपल लिख दिया हमने। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए दो एग्जांपल, ए कॉमा बी रिलेशन आर में है मान लिया मैंने, तो अगर है मतलब ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी होगा, और मान लिए कि बी कॉमा सी भी रिलेशन आर में है, तो बी लेस देन इज इक्वल्स टू सी होगा। अगर ये ए बी से कम है, बी सी से कम है, तो क्या ए लेस देन इज इक्वल्स टू सी होगा, और इसका मतलब क्या है, ए कॉमा सी रिलेशन आर में होगा, तो ट्रांजिटिव है, नोट करिए। इस चीज़ को याद रखें, तरीका सोचने का तरीका, लिखने का तरीका, जो ऑर्डर्ड पेयर आपको मानना है उसमें। अरे कैपिटल आर क्या था वो, ये डार्क रियल नंबर की बात हो रही है, वो स्पेशल आर है वो, सभी में है वो। हाँ, जहाँ पे भी कैपिटल आर बना है और डार्क, वो रियल नंबर होता है, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसा बनाते हैं, दो डंडे लगा देते हैं, ये भी रियल नंबर है, कहीं कहीं पर ऐसे प्लस लगा देते हैं और ऊपर प्लस लगा देते हैं, जनरली ये पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, ज़ीरो के आगे वाले स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से इनफाइनाइट लिखा हुआ है, कभी कभी ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो वो क्वेश्चन में बताया जाएगा, जब भी आर प्लस आएगा क्वेश्चन में बताया जाएगा। हाँ, बताया जाएगा कि जो आर है वो पॉजिटिव नंबर है कि नॉन नेगेटिव नंबर है, न्यूट्रल है वो, तो ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। अच्छा, इसमें डिफरेंस पता है, पॉजिटिव नंबर और नॉन नेगेटिव नंबर, किस चीज़ की कमी है, किस में, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव में, दोनों में आ जाएगा, नहीं जीरो इंक्लूड हो जाएगा उसमें, नॉन नेगेटिव वाले में, हाँ जीरो इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, जान के खुशी हुई कि आपको पता है। लड्डू, चलो यार आपको लड्डू खिलाते हैं, जब बर्थडे आएगा तब खिलाएंगे। बर्थडे तो आप लोगों के पास होने के बाद आएगा। किसी का बर्थडे आ रहा है, किसका आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा, मेरा मतलब शुरुआत में भाई थे, ये यार तो मत बोलो यार, आ रहा हो गया। अगला पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी रियल नंबर की बात हो रही है, और यहाँ पर रिलेशन है a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इज इक्वल्स टू बी क्यू, चेक वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब इसमें चेक करना है, तो इसमें चेक करना है, पता नहीं है भाई इसमें, ऊपर जो दूसरा था उसमें तो शो करना था, इसमें चेक करना है, ये भी कुछ कुछ वैसे ही है, बताइए। हाँ, रिफ्लेक्सिव के लिए
बताइए ए कॉमा ए अगर रिलेशन आर में बिलोंग करना है मतलब ए शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू ए क्यूब होना चाहिए है ये तो सही है ए इज लेस देन ए क्यूब है हमेशा होगा अब आपको इसमें सोचना पड़ेगा दोनों तरफ से कोई ऐसा एग्जांपल हाँ तो स्क्वायर कर रहे हैं तो नंबर कम हो जाता है तो क्यूब करेंगे तो और कम हो जाएगा 0.1 0.1 को चेक करना ना भूलें तो ये रिलेशन आर में है क्या तो 0.1 लेस देन इज इक्वल्स टू 0.1 का क्यूब नहीं है 0.1 का क्यूब कितना हो जाएगा 0.001 और ऐसा नहीं है मतलब ऐसा नहीं है मतलब ऐसा नहीं है तो ये एक सेम टाइप का मिल गया जो रियल नंबर है लेकिन वो इसमें नहीं है रियल नंबर सारे होते कुछ भी ले लो हाँ जो भी सब बस आई नहीं आना चाहिए आई नहीं आना चाहिए बस जहाँ पर आई आ गया तो वो इमेजिनरी चला जाता है ठीक है तो ये होता है ये आ गया समझ में तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है एक एग्जांपल मिल गया जिसमें दोनों इस तरह के हैं तो देखो 1.1 है इसमें 2.2 है 3.3 है -1.-1 है -2.-2 ये सारे हैं लेकिन 0.1.0.1 नहीं सारे रियल नंबर की बात हो रही तो ये मिल गया और भी बहुत सारे 0.2.0.2 भी नहीं होगा ठीक है सिमेट्रिक के लिए बताइए सिमेट्रिक सिमेट्रिक का एग्जांपल बताना है कि ए कॉमा बी है लेकिन बी कॉमा तो बहुत सारे 1.2 है रिलेशन आर में क्यों है क्योंकि 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 क्यूब लेकिन 2.1 नहीं है रिलेशन आर में बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू 1 क्यूब क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन 1 ये नहीं है खत्म तो सिमेट्रिक भी नहीं है ट्रांजिटिव अब सोचिए थोड़ा ढूंढिए ट्रांजिटिव वाला ही है तो हम बता देते हैं ज़्यादा दिमाग खर्च हो जाएगा आप लोगों का देखो फॉर ट्रांजिटिव 3.3/2 रिलेशन आर में है चेक करो क्या है 3 इज लेस देन 3/2 मतलब 1.5 का क्यूब क्या ये सही है 1.5 का स्क्वायर 1.5 का क्यूब कितना होता है निकाल के देखो 15 का क्यूब हाँ हाँ निकालो 15 का क्यूब 3375 तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट तो ये तो सही है कोई दिक्कत नहीं है मैंने बोला था कि टाइम बच जाए मेरा ठीक है तो ये है रिलेशन में ठीक है अब चेक करो 3/2, 6/5 क्या ये रिलेशन में उसके लिए क्या होना चाहिए 3/2 मतलब 1.5 शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 6/5 कितना है 1.2 इसका होल क्यूब तो 1.2 ये होता है 1296 नहीं 1296 नहीं होता है हाँ 1728 होता है तो ये सही है ना तो ये है और इसके साथ वाला ये भी है बट 3.6/5 ये रिलेशन आर में नहीं है क्यों क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन इज इक्वल्स टू 6/5 मतलब 1.2 का क्यूब जो कि है 1.728 और ये 3 ये सही नहीं है ये सही नहीं है तो ये नहीं है मिल गया लिख लो इसको इसको भी याद कर लें देखो इसको याद करने का तरीका तो 3 और 3/2 तो वही है हाँ कर लेना नंबर देख लो 3/2 उसमें क्या था 3/2 था है ना इसमें 3/2 फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वहाँ पर और ऐड करके नीचे मतलब आप याद कर सकते हो जैसे भी याद करना सीधे आ जाए तो बहुत बढ़िया 3/3/2, 6/5 क्या हुआ आप रटे नहीं इतने बार पढ़ा दिया मैंने कि मुझे याद हो गया मैंने ऐसे बैठ कर रट्टा नहीं लगाया उसका